श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, चावल के केवल दो दाने आपको करोड़पति बना देंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर चावल से जुड़े बहुत ही अचूक उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान अक्षर यानी कि चावल का अत्यंत महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना चावल के देवी देवताओं की पूजा स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, चावल पवित्र अनाज माना जाता है। इसका पूजा पाठ के अलावा ज्योतिष उपाय में भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिषी दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि अक्षर यानी कि चावल के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें अजमाने से न सिर्फ व्यक्ति के बेजान पड़े जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी, बल्कि जो कुछ भी खोया है वो भी उस व्यक्ति को पुनः मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कि अक्षर के कुछ बहुत आसान टोटकों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेहनत के बाद भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो आप चावल से जुड़े उपाय कर सकते हैं। आप पूर्णमासी के किसी भी सुबह उठकर स्नान आदि करके एक सफ़ेद लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने, जो कहीं से भी टूटे हुए ना हों, ऐसे दाने रखें। इसके बाद उस कपड़े को लेकर माँ लक्ष्मी के सामने पूजा करें। फिर उस पोटली को अपने पैसे रखने वाले जगह पर सुरक्षित रख दें। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, देखिए, और भी उपाय जानने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से इन उपायों के बारे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, जिन लोगों की आर्थिक तंगी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वे लोग सोमवार को स्नान के बाद आधा किलो अखंडित चावल लेकर किसी शिव मंदिर में चले जाएं। इसके बाद भगवान शिव का नाम लेकर एक मुट्ठी चावल वहाँ अर्पित कर दें और फिर बचे हुए चावल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। दोस्तों, ये उपाय आप 5 सोमवार तक लगातार करें। इस उपाय से आपकी आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको हर काम में नाकामयाबी मिल रही है और बनते हुए काम अटक जाते हैं तो अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आप चावल के इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लें और थोड़ा सा उसमें चंदन या फिर रोली डाल लें और दो चावल के दाने डाल लें और दो काली मिर्च के दाने, साथ में एक बेलपत्री लें और अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जाकर दोस्तों, आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दें और फिर जो आपने बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को अपनी कामना कहकर शिवलिंग को समर्पित कर दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो भी कामना होती है जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है, साथ ही आपके हर काम बनने लगते हैं, आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाती है। साथ ही दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए चावल के उपाय से काफ़ी फायदा होता है। ऐसे लोग मीठे चावल बनाकर अपनी छत पर बैठने वाले कौवों को खिला दें, उन कौवों की तृप्ति के साथ ही आपकी जिंदगी में मुश्किलों का दौर भी खत्म होने लगेगा। आपको नौकरी व्यापार में कामयाबी मिलेगी और आप ऑफिस में आगे बढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी तो अच्छी खासी होती है लेकिन कभी भी पैसा उनके पास नहीं टिकता। ऐसे लोग लाल कपड़े में चावल के 7 साबुदाने डालकर पर्स के अंदर रख लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से फालतू खर्च की आदत में सुधार आता है और जेब में पैसा टिकने लगता है। अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो अपनी माता से कहकर उनसे एक मुट्ठी चावल दान मांगें। इसके बाद नवरात्रि के तीसरे दिन आप कन्याओं को वही चावल दान में दे दें। आप चाहें तो उन्हीं चावल की खीर बनाकर भी खिला सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस उपाय से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे टोने टोटके कर लिए, फिर भी कोई आपकी कामना काफ़ी समय से अटकी हुई है,
तब दोस्तों आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया ये 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 108 साबुत चावल के दाने लेने होंगे, ठीक है। इन दानों के साथ में आपको 5 बेलपत्री के पत्ते लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चावल के दाने अर्पित करने हैं। दोस्तों आप हर चावल को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय बोलते जाएं या फिर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करते जाएं। हर एक चावल को आपको एक एक करके चढ़ाना है और हर बार आपको दोनों में से किसी एक मंत्र को बोलना है। फिर उसके बाद आपने जो बेलपत्री ली है, बेलपत्री आपको एक एक करके भगवान शिव को समर्पित कर देनी है और अपनी जो भी कामनाएं महादेव से कह देनी है। बेलपत्री के ऊपर आपको 1 लोटा जल छोड़ देना है। जल को बिल्कुल आराम आराम से छोड़ना है, एकदम से जल ना छोड़ें। उसके बाद दोस्तों कुछ देर के लिए शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी जो भी कामनाएं महादेव से कह दें और फिर अपने घर पर चुपचाप चले आएँ। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। इस उपाय को मात्र 2 से 3 सोमवार लगातार करने से आपकी जो भी कामना होती है महादेव जल्द से जल्द पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नए नए उपाय नए नए टोटके मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।